हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल पैनकेक। क्योंकि विंटर चल रहा है और विंटर अकेला नहीं आता, विंटर के साथ आती है कई सारी हरी भरी सब्जियां। तो अगर आप सब्जी लवर हो और आपको ऐसे सब कुछ बनाना रोज पसंद है तो इसी बात पे आप वीडियो को लाइक कर देना और नहीं हो तो फॉलो। और आपको कौन कौन सी सब्जियाँ ज़्यादा पसंद है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप मेरी बात कर रहे हैं तो मुझे तो सभी सब्जियाँ ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं विंटर में और वैसे भी सभी सब्जियों को इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। तो आपको क्या करना है, बेसिकली सभी हरी सब्जियों को ले लेना है, उसे छोटे छोटे पीस में अच्छे से हमें कट कर लेना है और वॉश करके एक साइड में निकल लेना है। तो मैंने यहाँ पर स्प्रिंग ऑनियन, ऑनियन, थोड़ी सी गोभी, थोड़ी सी हरी मिर्च और शायद इतनी सब्जी मेरे पास थी तो जितनी थी मैंने उसे अच्छे से काट लिया है। उसके बाद लेना है एक बाउल, उसके अंदर हमें सभी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करके डाल देना है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो और आपकी मनपसंद की हो। तो मैंने सभी सब्जियों को ले ली है। ऊपर से डालना है हमें थोड़ा सा सॉल्ट और हमें कुछ भी नहीं डालना है, और थोड़ा सा डालना है राइस फ्लोर। आप चाहे तो मैदा या बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास राइस फ्लोर था तो मैंने उसका इस्तेमाल किया। और थोड़ा सा ही हमें पानी डालना है और एक अच्छा सा हमें बैटर बना लेना है। नेक्स्ट लेंगे हम एक नॉनस्टिक तवा, उसमें डालेंगे ऑयल, आप चाहे तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर डाली थी मैंने थोड़ी सी सीजनिंग सीड और जो भी हमारे पास वेजीज है उसे हमें उसके अंदर डाल देना है और एक पैनकेक शेप में उसे ले लेना है। और मीडियम धीमी आंच पे हमें उसे दोनों साइड पे अच्छे से कुक कर देना है, जब तक कि ऑयल एकदम से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और ऊपर भी मैंने थोड़ी सी सीजनिंग सीड डाल दी थी। तो दोनों साइड से कुक करने के बाद उसका लुक कुछ ऐसा है और उसकी टेस्ट की तो आप बात ही मत पूछो। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। ओके बाय।